वही लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों की तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। सभी दल अपने साथ ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों को साथ लाने की तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी अपने 400 पार के टारगेट को हासिल करने के लिए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। सुनने में आ रहा था कि बहुत जल्द बीजेपी पंजाब में भी गठबंधन के पुराने साथी को जोड़ लेगी, लेकिन आज इस पर पूर्ण विराम लग चुका है। आज बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जानकारी दी कि बीजेपी पंजाब में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। अब राज्य में अकाली और बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा। जाखड़ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस पोस्ट में कहा, बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद ये फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला पार्टी ने लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पंजाब के किसानों की राय पर लिया है। पंजाब के व्यापारी, मजदूर, पंजाब का पिछड़ा वर्ग, सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये फैसला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे लोकसभा चोण कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहबान की वख-वख राय, उन्हें सारे नूं लैके उहदे बाद पंजाब दे भविख, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, पंजाब के व्यापारी सारिआं दी बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते आ फैसला लिया। क्योंकि जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने, किसी तो ओले नहीं। किसानों के फसलों का एक एक दाणा पिछले 10 साल चक्या गया MSP ते जिहड़ी उन्हां नूं उहदी भुगतान है हफ्ते के अंदर अंदर उन्हां दे खात्यां दे विच पहुंची है। करतारपुर साहब का लांघा जिहदे वास्ते सदियों तो इत्थे लोग खुले दर्शन दीदारां दी मंग करदे सी, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहनुमाई दे विच सानू अज आ जिहड़ी कृपालता वाहिगुरू ने जिहड़ी मेहर कीती है, बख्शिश दित्ती है, आ प्रधानमंत्री मोदी जी दी बीजेपी सरकार नूं आ बख्शिश प्राप्त हुई है। तो गठबंधन न होने पर पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा, अकालियों के साथ गठबंधन की अटकलें जरूर लगाई जा रही थी, मगर किसी भी नेता की अकाली दल के साथ टेबल टॉक पॉसिबल नहीं हुई। दरअसल सूत्रों की अगर माने तो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और अकालियों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। अकाली बीजेपी को पिछली बार वाली सीटें ही देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी 6 सीटों से कम पर सहमत नहीं थी, जिस वजह से दोनों में बात नहीं बन पाई। अकाली दल ने 22 मार्च को अपनी कोर कमेटी की बैठक के बाद अकेले चुनाव लड़ने की अपनी योजना का संकेत दे दिया था। मीटिंग में अकालियों ने क्लियर कर दिया था कि वो किसी भी स्थिति में सीट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन न होने के कारणों का स्पष्ट खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2019 में पंजाब की 13 लोकसभा सीट में से 8 पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने तब गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 2-2 सीट जीती। आपने पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीट जीत करके जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और अब उसकी नजर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने का है। वही पंजाब में शिरोमणि अकाली दल 1997 से लेकर के सितंबर 2020 तक भाजपा की पुरानी सहयोगी पार्टी रही है। हालांकि साल 2020 में 3 कृषि कानूनों के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके कुछ दिनों बाद ही दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए। बाद में कृषि कानूनों को वापस लिया गया। दोनों दलों ने पंजाब विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ाई लड़ी और फिर दोनों की ही को ही भारी नुकसान हुआ। दरअसल कहा जाता है कि अकाली दल की गांव में और बीजेपी की शहरी वोटर्स में मजबूत पकड़ है और दोनों के साथ आने से दोनों ही दलों को फायदा होता है। दोनों दल पंजाब में भविष्य को लेकर के अपनी रणनीति के चलते सीट शेयरिंग पर एकमत नहीं हो सके, जिसके चलते गठबंधन नहीं हो पाया। आज पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और जानकारी आ रही है कि पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रवनीत बिट्टू लुधियाना से वर्तमान में सांसद हैं और उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने बीजेपी मुख्यालय पर रवनीत बिट्टू को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई और बुके देकर के उनका स्वागत किया। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और यहां चुनाव एक ही चरण में होगा। पंजाब में लोकसभा चुनाव के अंतिम यानी 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा और तब पंजाब में अकाली और बीजेपी के भविष्य को लेकर के क्या सोच है।